Hariyam smiles. A very good morning to all. When we are conscious of our life, everything that is life, positive expands, and everything that is life, negative shrinks. Conscious, jagrukta. जागरूकता मतलब अपनी हर एक सांस पर ध्यान, अपनी हर एक थॉट पर ध्यान, अपना जीवन हम कैसे बिता रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फॉर दिस आयुर्वेदिक डॉक्टर शीतल हमें कितनी अच्छी अच्छी टिप्स सेंड करती हैं. एंड टुडे शी हैज़ मेड अस अफेयर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई फास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. शी राइट्स व्हाई फास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. आयुर्वेदा सेज यू आर नॉट ओनली what you eat, you are what you digest. सबसे पहले आयुर्वेदा. आयुर्वेदा का मतलब आयु प्लस वेदा. जिसने आयु का वेदन किया हो, वेदन मतलब भेद जानना. आयु कैसे लंबी हो सकती है, कैसे हेल्दी हो सकती है, जिसने इस बात का भेद बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की हो वो है आयुर्वेदा. Many of us are overfed and undernourished. Overfed और उसके साथ undernourished. Undernourished तो वो लोग होते हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, जो poor लोग होते हैं, जो लोग blessed नहीं हैं उनको खाना नहीं मिलता, वो होते हैं undernourished. बट यहाँ पे डॉक्टर शीतल ने बोला ओवरफेड एंड अंडर नरिश्ड. व्हाई ईटिंग एन अबंडेंस ऑफ अनहेल्दी फूड कैन लीड टू डिस ईज इन द बॉडी. कैसे आते हैं डिजीज? व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग. बहुत ज़्यादा खाते हैं बट क्या खाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. और फिर आते हैं डिजीजेस. डिजीजेस का मतलब डिस ईज. जब बॉडी ईज में नहीं है तो उसको बोलते हैं डिस ईज. एडिशनली व्हेन वी ओवरईट एंड चूज पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड दैट इज द टाइम व्हेन आवर डाइजेशन सफर्स. When your digestive fire or agni is low, instead of cleanly digesting your foods, you begin to create and accumulate toxins or ama. Ama literally means undigested food matter is the root cause of all diseases. Yes. सबसे ज़्यादा जो चीज़ आज के दिन नुकसान पहुंचा रही है वो ये है कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको जिठाग्नि बोलते हैं, जो हमारे स्टमक में, हमारे मणिपुरी चक्र में होती है, आज वो बहुत लो हो चुकी है, जिसकी वजह से फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता. बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टाइमिंग्स ऑफ फूड
रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड। और सबसे बड़ी बात, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है? आर वी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग? मैक्सिमम पीपल आर नॉट। पहले हम खाना खाते थे तो कोई टीवी नहीं देखता था, कोई फोन नहीं सुनता था, कोई हजार प्रकार की थॉट्स में गुम नहीं होता था, कोई चलते फिरते भाग के खाना नहीं खाता था, सब बैठकर चौकड़ी मारकर आसन ग्रहण कर खाने को प्रणाम कर जैसे ही प्रणाम करते थे खाने की ऊर्जा, उसका ऑरा भी बढ़ जाता था। और उस ऑरा के बढ़े हुए खाने को जब हमारा ये शरीर ग्रहण करता था तो हमारा भी ऑरा बढ़ जाता था, क्योंकि जैसे ही हम खाने को प्रणाम करते हैं हमारी ऑटोमेटिकली जठाग्नि, जिसको कि जठाग्नि मतलब हमारे अंदर का चूल्हा गैस, अब अगर घर में हमने कुछ खाना बनाना है और सडनली हमारी गैस सिलेंडर में ख़त्म हो जाए, या अगर पाइप की सप्लाई है और पीछे से वो सप्लाई कम हो जाए, तो क्या खाना ठीक से बन पाएगा? कभी देखा है ना, सब्जी कच्ची रह जाए, चपाती कच्ची रह जाए, तो क्या वो खाई जाती है? ऐसे ही जब अंदर की जठाग्नि ऑटोमेटिक गैस आर डाइजेस्टिव फायर व्हेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, व्हाट एवर वी ईट डजंट गेट डाइजेस्टेड इनसाइड अस, इन फैक्ट इट gets accumulated, and that is where diseases start happening in our body, because undigested food, जब खाना ऐसे ही रखा होता है टेबल पर, कोई खाता नहीं, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाता है, और सड़े हुए खाने से बीमारी पैदा होती है। ऐसे ही हमारे अंदर टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स और टॉक्सिन्स भर जाते हैं। जब हम टीवी देखते वक्त खा रहे हैं, कोई बुक पढ़ते वक्त खा रहे हैं, बातें करते वक्त खा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत बिजी है इन सब कामों को करने में, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस को इंस्ट्रक्शन ही नहीं भेज पाता कि खाना आ रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट हों ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। सो वी आर ब्रेन इज बिजी गिविंग द कमांड्स कि इसको देखो, इसको समझो, इससे बात करो, तो डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि जठाग्नि हमारी संचालित ही नहीं होती। सो वी ऑल मस्ट ट्राई नॉट टू टॉक और ईट और डाइवर्ट आवरसेल्व्स व्हाइल ईटिंग, कॉन्शियस, व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर लाइफ ऑफ आवर ईटिंग, फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल अवेयरनेस, कितनी बार चबाना है, 32 टाइम्स चबा के देखिए तो सही, जस्ट ट्राई इट। व्हेन वी च्यू आवर फूड 32 टाइम्स इट कन्वर्ट्स इनटू जूस देयर एंड देन, बॉडी को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती खाने को डाइजेस्ट करने को। तो अगर बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो एनर्जी हमें बाकी चीज़ों में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज 80% एंड मोर देन 80% ऑफ आर एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन डाइजेस्टिंग फूड।
Ayurveda has a long tradition of utilizing fasting as a vital practice for maintaining and regaining health. Fasting. एक तरीके से इस वर्ड का मतलब समझें तो जब हम फास्टिंग करते हैं हमारी बॉडी फास्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है और आज तक हम इसका ऑपोजिट ही समझते पाए हैं. हम समझते हैं आज खाना नहीं खाया तो एनर्जी नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते. जबकि whenever we fast, our body is self-healing itself because जितने भी ये undigested food हैं उनको हमारे system में से eliminate करने का काम कर रही है. That is why this was imbibed in our lifestyle since long. Our sages imbibed this in our lifestyle. और कैसे उन्होंने उसको हमारी रहनी में जोड़ा कि भगवान खुश हो जाएंगे अगर हम एक दिन व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे. तो अलग अलग दिनों को जोड़ दिया. द न्यू द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट फॉर देयर वेलफेयर इफ इट इज़ टोल्ड कि आपकी बॉडी ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा सेक्रेट करेगी, लाइट रहेगी, आपका अनडाइजेस्टेड फूड फ्लश आउट हो जाएगा उस दिन, तो शायद इंसान भूल जाएगा. पर भगवान के डर से वो नियमित रूप से अपना ये काम करता रहेगा. भगवान मतलब क्या? बार बार गुरु आकर हमें बताता है. ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर. तो जब हमारा बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट करेगा तो ये पांचों तत्व बैलेंस अपने आप हो जाएंगे. और जैसे ही बैलेंस होंगे हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा संचालित होने लग जाएगी. एंड शी इज एक्सप्लेनिंग इट सो वेल दैट simple first step to fasting is to begin to eliminate foods such as sugar, refined carbohydrates, gluten, commercial dairy products, unhealthy fats, non-organic foods, processed foods, leftovers, frozen foods, alcohol, caffeine. All these substances tend to create heaviness in the body. If you can cut one of these food categories for one full day, then string that together into few days, that's a fast. देखो, अगर एक दिन भी हम इसको अवॉइड करते हैं, इस टाइप की फूड हैबिट्स को, तो एक हफ्ते के लिए हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है टॉक्सिन्स को सेक्रीट ना होने देने के लिए और बॉडी टॉनिक्स प्रोड्यूस करने लग जाती है. आयुर्वेदा जनरली रिकमेंड्स शॉर्ट रेगुलर फास्टिंग. दिस कुड मीन वंस अ वीक, वंस अ मंथ और ड्यूरिंग अ जंक्शन ऑफ सेशंस. Spring is the best time according to Ayurveda for purification. Fasting is the best principle and the first principle of medicine. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Spring sabse best time bataya hai. इसीलिए
नवरात्रि मनाए जाते हैं। एक मौसम आ रहा है और एक मौसम को हम विदा कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा फास्टिंग का फ़ायदा होता है, क्योंकि अंदर के पात्र को बिल्कुल क्लेंस करके फिर नए प्रकृति का आगमन करना है। देखो, प्रकृति में भी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स चेंज हो जाते हैं। सो जैसे प्रकृति करवट बदलती है, हमारे अंदर का सिस्टम भी करवट बदलता है। एंड व्हेन वी फास्ट ड्यूरिंग दीज डेज, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड टॉक्सिन्स के रूप में अंदर छुपे हुए हैं हमारी ग्रंथियों में, नाड़ियों में, वो सब बॉडी रिलीज कर देती है। नवरात्रि बहुत ऊर्जा है उन दिनों में, इसलिए पहले के लोग या तो कुछ नहीं खाते थे और खाते तो फल आहार। Why fruits? Because fruits are the easiest thing to digest. Why? Because water element is maximum in the fruits. And that is why it is easiest for the body to digest them. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती शरीर को उसको digest करने में, तो undigested waste कुछ बचता ही नहीं, nourish कर देता है fruit body को। तो बोला या तो फ्रूट खाओ या कुछ ना खाओ, वो भी चलेगा। बट हम तो नवरात्रों पर और बढ़िया बढ़िया थाली अलग अलग जगह खा के आते हैं, तली हुई पूड़ियाँ, आलू का हलवा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं और बॉडी को हैवी कर लेते हैं। So when we are conscious of our life, everything that is life positive expands. Conscious होएं, जाने कि जो इतनी अलग अलग चीज़ें खरीद के खा रहे हैं वो हमें healthy कर रही हैं या unhealthy. Try to refrain yourself from eating for some time and see, you will see the magic of the body. कितनी energy evolve हो जाएगी। अभी तक फास्ट में जिनको चक्कर आते थे, भूख लगती थी, ये सब भी जो हम दिमाग से कॉन्शियस होके जो अपने ब्रेन से कमांड भेज रहे हैं, इसलिए बॉडी ऐसा बिहेव कर रही है। आप बॉडी को बोलना शुरू करिए, आज मैंने फास्ट रखा है, आज मैं और फिट एंड फाइन, एक्टिव एंड हेल्दी रहूँगा या रहूँगी, एंड यू विल सी अ चेंज इन योर बॉडी। सो टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ what guru is coming and teaching us. Become conscious of your prana, of your breath, aur jab bhi kuch khaye usko pranam karke khaye. Jaise humne aura machine se read kiya aur dekha ek thought kaise aura ko shrink kar deti hai, aise hi jab hum food ki urja ko check karenge to wo bhi वंडरफुली बढ़ जाती है जब हम उसको प्रणाम करके खाते हैं, और जब ऐसे ही खा लेते हैं उसकी ऊर्जा श्रिंक हो जाती है। दिस इज़ ऑल साइंस बियॉन्ड साइंस। सो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, और जो चीज़ हमें ज़िंदा रख रही है उसके ऊपर शुक्राना करके ध्यानपूर्वक उसको ग्रहण करें। रेगुलर मेडिटेशन करते रहें और अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। हरिओम।